टुवर्ड्स दी एंड आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक व्हेन माय फ्रेंड्स बोले ओ अच्छा वो इंडियन मॉडल्स आएंगे, ओ बड़ी हॉट है, ओ ये, तो मुझे फील हुआ कि अच्छा ये जो सब आ रहे हैं देखने के लिए इसमें से टर्की अंकल्स भी हैं हाँ एंड देर नॉट लुकिंग एट माई क्लोज, देर लुकिंग एट माई बॉडी ऑलवेज या विच आई आई डोंट नो हाउ, हाँ आई नेवर थॉट शुरू में ऑफ नहीं इट था दैट वे. ऐसा, इतना शुरू में हाँ इतना नहीं था। मे बी शायद आहिस्ता आहिस्ता ऑफकोर्स हमारे लिमिट्स थे, कुछ हाँ मॉडल्स के थे कि अच्छा ठीक है हम इतनी स्कर्ट पहन लेंगे, स्लीवलेस पहन लेंगे, लेकिन लाइक नो शॉर्ट्स ये वो. आहिस्ता आहिस्ता फिर आई गेस विद द पैसेज ऑफ टाइम हाँ एवरीथिंग बिकेम, मैं पीसी में एक ब्राइडल कुचोर या वन ऑफ दोज थिंग्स के लिए लाइक आई वॉज अ शो स्टॉपर. सो मॉडल्स आर कमिंग इन लिटिल शॉर्ट्स एंड लिटिल ड्रेसेस एंड हम लोग तो वो जीन्स टी शर्ट्स पहनते थे, उसके अंदर वो जो हाँ छोटी वाली टी शर्ट्स अगर पहन ली तो हाँ आई वॉज लाइक अच्छा ये तो मैं तो आई डोंट आई कुडंट रिलेट टू इट कि हम पाकिस्तान में हैं, हम हाँ पीसी की लॉबी से गुजर कर यहाँ हाँ के मतलब सब लोग हैं हाँ तो हम कैसे ये हम कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं. सो व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग दैट फीलिंग ना दैट लाइक ओ नो देयर लुकिंग एट मी, उसके बस एक साल के बाद आई वाज लाइक यू लाइक आई एम डन, ये आई एम क्या, डन। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा. हाँ आई गेस एंड व्हेन आई हाउ इजी मैच्योर्ड. वाज द टेलीविजन इंडस्ट्री, बिकॉज वहाँ भी कास्टिंग काउच तो बहुत नहीं सख्त नहीं सख्त है। अल्लाह का शुक्र है कि इवन एज मॉडल्स वी वर हाँ प्रोटेक्टिंग द बॉयज हाँ इन सर्टन प्रोविंसेस व्हेन वी वेंट टू डू शोज. ओके हाँ वेरी फ्रैंकली तो हमें कभी मॉडलिंग में तो कभी ऐसी चीज़ नहीं थी. जब आप यहाँ आकर आप अगर आपने किसी के बारे में सुना भी है आप कहें जी अस्सलाम वालेकुम सर, वो उनके अगर कोई नोशंस हो वो सब ख़त्म हो जाते हैं. तो माशाल्लाह से लाइक आई बिन हियर फॉर सो लॉन्ग नथिंग एवर. सो इट्स ऑल अप टू योर सेल्फ राइट। बिल्कुल दो हाथ से ताली बजती है, आप अगर हंस हंस के और आप अगर फ्लर्ट करेंगे. आई हैव सीन चिक्स सर मैं लीड हूँ वो सेकंड लीड हैं और ये यूं करके डायरेक्टर के आप घुटने पे क्यों हाथ रख रही हैं, मैं चुप हूँ. सडनली जी प्रोमोज और ट्रेलर्स में वो ज़्यादा है मैं कम हूँ, वॉट आपके एवर. घुटने पे हाथ नहीं रखा। हाँ मतलब कि इस तरह नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, हाँ मैं लीड हूँ ठीक है जो भी जितना भी हाँ आप कर लो, लेकिन तो आई थिंक दैट्स आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट एनी मूवमेंट या बट आई जस्ट फील दैट यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस चॉइस हाउ टू अर्न योर मनी. अगर आपको लग रहा है डोंट सफर इन साइलेंस, लीव द गॉड डैम बिजनेस बिकॉज ईदर स्पीक अप एंड से हाउ डेयर यू और देन से ओके फाइन दिस इज नॉट फॉर मी, पीपल विल नॉट चेंज. या ये वाली बात है, मुझे तो डरते होंगे तुम्हें पता है, मैं हमेशा से हाँ आउटस्पोकन हूँ. एग्जैक्टली नॉन पेमेंट होती तो मैं फेसबुक पे लगा लेती हाँ थी हाँ तो प्रोडक्शन कंपनी से, तो उनको पता है भाई इनको ना छेड़ें. मगर देखियो तुम जैसे बहुत कम लोग होते हैं यार, एंड द मी टू मूवमेंट इज़ वेरी रेयर मी ऑल टू ओवर द मूवमेंट, वर्ल्ड। इतनी रिस्पेक्ट है मुझे मी टू मूवमेंट की, लेकिन मी टू मूवमेंट इज नॉट फॉर यू एंड मी आमना. वी कांट बी सेल्फिश, वी आर आउटस्पोकन पीपल. वी मी टू इज फॉर दोज पीपल जो डिफरेंट तबके से आती हैं, हु आर सपोर्टिंग देयर हु फैमिलीज, डोंट नो हु वॉट डोंट टू नो, हु आर ऑल्सो इतनी पढ़े लिखी नहीं है, उनकी फैमिलीज भी बहुत बैकवर्ड हैं और बहुत कंजर्वेटिव हैं, तो वो मर जाएंगी लेकिन वो कभी बताएंगी नहीं. मी टू मूवमेंट वॉज सपोज टू बी फॉर देम, इट इन वॉजन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान, इट वॉजन सपोज टू बी हाईजैक्ड बाई सेलिब्रिटीज एंड मेक इट अबाउट यू नो लाइक हु इज़ द बिगेस्ट स्टार, हु हैज़ मोर फॉलोअर्स. आप समझ रही हो. अच्छा यू आर वेरी वोकल अबाउट दिस, बगैर नाम लिए, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू गेट एनी लीगल रिपरकशंस ऑफ अ नहीं नहीं डिस्कशन। लीगल रेपरकशंस तो क्या मतलब कि ये फॉरेन फंडेड ये वो कुछ भी हो सकता है, रॉकेट मिसाइल ही हाँ आ जाए मेरे गेस्ट हाउस पे, कुछ नहीं पता. तो हाँ इसलिए आई थिंक वी शुड जस्ट बी, जितना मैंने कह दिया आई थिंक काफ़ी है. हाँ बट मुझे ये लगता है कि आप बट यू आर वेरी वोकल अबाउट योर सपोर्ट। ट्विटर, आई लव ट्विटर, हाँ ट्विटर पे तो हम सब बहुत वोकल है अबाउट हाँ एवरीथिंग हाँ बिकॉज मेरा ब्रेड एंड बटर इज़ नॉट ट्विटर. आई गो इंस्टाग्राम इज़ लाइक ओह अच्छा अस्सलाम वालेकुम, बींग ताबिंदा टुडे, बींग दिस, वो क्यूट क्यूट चीज़ें, नाइस इंस्पिरेशनल कोट्स, बिकॉज मैंने देख लिया है कि इंस्टा पे नहीं है, फेसबुक इज़ फॉर फैमिली एंड लाइक हाँ यू एग्जैक्टली नो वो. ट्विटर इज़ वेर यू कैन बी हु यू वॉन्ट टू बी एंड हाँ स्पीक योर माइंड, डोंट हाँ बी अ मुनाफिक बट जस्ट लाइक जो वो आप. तो ट्राई नॉट टू बी एनीवेयर हाँ मतलब ट्विटर पे वो मुनाफिक। हम पीछे लगे होते हैं ना, वो जो पेड जर्नलिस्ट होते हैं जिनको हमने प्यार से लिफाफिज कहते हैं, तो वहाँ पे बड़ा मगर एक है कि बहुत मज़ा आता है ट्विटर पे हाँ। कि वहाँ पे आप निडर आप बोलें. सो इसलिए सो डिड यू एवर फील दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ व्हाट यू सेड ऑन ट्विटर इन योर प्रोफेशनल लाइफ? नो 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 वो तो आई लव एफर्ट,
आई लव सबा आपा, हाँ आई रिस्पेक्ट देम इमेंसली. इफ़त मेरी मॉडलिंग में भी सीनियर है, सबा या आपा के साथ तो मैं एक पूरा साल फ्लैटमेट रही हूँ. हाँ बट द थिंग इज़ कि आपकी आइडियोलॉजी नहीं आप अपनी चेंज कर सकते, आप अपनी ओपिनियंस नहीं चेंज कर सकते. मैं ट्विटर पे नहीं फॉलो करती इनको, क्योंकि हाँ मैं कहती हूँ कि मैं अपना बीपी हाई करूँगी हाँ अगर मैंने कुछ ऐसी वैसी बात कर ली, मगर प्रोफेशनली नहीं. प्रोफेशनली हम सब एपोलिटिकल हैं. आई थिंक वन ऑफ दैट्स वेरी द गुड. फॉल बैक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वी डोंट टॉक ऑन सेट. हाँ जो आपने बोलना है आप ट्विटर पे बोले ना, या आप अपने फ्रेंड से बोले, हाँ तो हम उस कोई नहीं पीटीआई या पीएमएलएन, वी डोंट डिस्कस इट. और वक्त नहीं हाँ होता हाँ सेट के ऊपर, तो सेट्स इट्स तो भी कोई बहुत ही कोई पागलपन हो गया है. मैंने सुना है डबल शिफ्ट चल रही होती है और डबल दो दो शिफ्ट तो कैमरास चल बहुत. रहे होते हैं और दो कैमरा इतना ज़्यादा नहीं होता, वो तो अगर डेस्परेट हो ना कि हाँ आपने अभी शूट करना है, हाँ और कभी कभार तो आज रात को ऑन एयर होना है, ऑन एयर होना तो है वो तो बस वो रमजान वेट पेज कर में तो रहे हैं. यही हो रहा है ना. हाँ, मगर नहीं उससे भी पहले हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो आप होते हैं. मगर डबल शिफ्ट होती हैं शादियों और इवेंट्स के ऊपर, तो आपको पता है कि जी आप 4-5 बजे तक तो कहीं नहीं गए. तो तो देखिए वेयर डू यू फाइंड द एनर्जी. तो मुझसे कोई इतनी छोटी तो नहीं हो लेकिन मेरे में तो 3-4 घंटे ज़्यादा काम करने बिकॉज की. आई लव एक्टिंग, आई बट लव इट. 12-12 घंटे की शिफ्ट हाँ, यू आर हैप्पी ऑन आई एम दैट. वेरी हैप्पी. मैं नर्वस ये इसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ कि अच्छा ओ गॉड मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, ओ हाँ अच्छा मैं खुद अपना मेकअप और बाल करके आऊँगी. हाँ अगर कोई भी आपको फ्लॉ नज़र आ रहा है तो इंशाल्लाह जो तुम लाइट्स अच्छी होंगी, लेकिन मैं ये मैंने हाँ सब खुद किया है एंड आई एम नॉट यूज टू इट. हाँ मैं सेल्फी अच्छी नहीं लेती, कोई 600 सेल्फीज़ के अंदर से एक आती है उसको भी फिल्टर फुल्टर करके, हाँ बिकॉज यू नेवर यूज टू इट. मैं सिमी से बात करी थी कल सेट पे, तो सिमी पाशा वॉज लाइक हाँ वी वर टोल्ड वॉट टू डू, एंगल कौन सा, ये वो. हाँ तो आजकल के बच्चे तो हैट्स ऑफ टू देम, या जो मेरे फैंस आकर मेरे साथ सेल्फी, हम लाइक ये आप कैसे करें, ये कौन सा फिल्टर है, हाँ एवरी वन एक्सेप्ट मी टेक्स बेटर पिक्चर्स. डू यू फील दैट यू मिस द बस व्हेन इट केम टू सोशल मीडिया लाइक हाइप एंड नो, लोग अब इतना इट्स सो लाइक ल्यूक्रेटिव बीइंग ऑन सोशल मीडिया. आई वुड स्टिल नॉट डू इट. मैं यू वुड अभी स्टिल भी नॉट डू मॉर्निंग इट. शोज पे मैं पैसों के लिए नहीं जाती. हाँ इंटरव्यू करूंगी मैं साल में एक या दो, बट लाइक आई विल नेवर टेक मनी, बिकॉज आई थिंक इट्स अ पे बैक, हाँ यू नो वट आई मीन. सो या आई डोंट, अगर बट मुझे, देर आर एक्टर्स हु टेक मनी एंड गुड फॉर देम, एंड इवन फॉर एंड इंटरव्यूज. इंटरनेशनली इट्स या हैपनिंग एंड देर टेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. आई एम जस्ट नॉट, आई गेट माई मनी फ्रॉम माई वर्क. बस सही है. सो फिर मैं चूज कर सकती हूँ ना कि मैंने कौन से इंटरव्यू में जाना है, मैंने क्या हाँ करना है और क्या नहीं करना. अच्छा कैन अ सिंगल वुमन इन टेलीविजन मेक इनफ मनी टू स्टैंड ऑन हर ओन फीट एंड लिव अ लाइफ कंफर्टेबली. वालेकुम जी. आपके 46 हूँ जी और घर छोड़ा हुआ है लाहौर में, हाँ मगर चल रहा है बिकॉज लाइक यू नो आई मगर एम, आपकी ज़मीनों से पैसे नहीं आ रहे. ज़मीनें नहीं है, घर है माशाल्लाह, अम्मा ने माशाल्लाह मेरे नाम पे छोड़ा हुआ है, लेकिन है. हाँ इतना बड़े बड़ा ही माथे था. वाला, पंजाबी हो जाए ना, बड़े माथे वाला वेरी घर, गुड. बट यहाँ पे रह रही हूँ. हाँ एंड माशाल्लाह यहाँ भी बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है, वहीं पे बाकी भी बहुत से एक्टर्स लाहौर से आते हैं, सो इट्स लाइक हाँ फैमिली. हाँ मगर या कंफर्टेबली हो सकता है. हो सकता है, हाँ यू कैन इवन सेव एंड गो ऑन अ वेकेशन, हाँ सो एवरी थिंग इज पॉसिबल. इट डिपेंड्स ऑन एक्सीलेंट योर बजट, हाउ यू एक्सीलेंट. बजट योर सेल्फ. नो बट दैट मीन्स दैट देयर इज मनी इन टेलीविजन. बहुत है. लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि जी वक्त पे पैसे नहीं नहीं, और मिलते. माशाल्लाह टैक्स भी देती हूँ, अरे क्या मतलब कि सब बात कुछ है. हाँ खुल्लम खुल्ला. जब हाँ आप लेजिट जिंदगी हाँ गुजारोगी ना, वेन यू डोंट ओ एनी वन एनी थिंग, आप मुंह फट भी होगे, आपका जो दिल चाहेगा आप कहोगे, बिकॉज आप किसी के हाँ ऑब्लिगेशन में नहीं हो. हाँ दैट्स इट. अच्छा करंट मोस्ट 3 कैरेक्टर्स 3 या 4. एक फरियाद में हाँ, उस बेचारी की मैं कहती हूँ वो 50 किसका जो नहीं तो ड्रामा बच्चा भी तो था कितना ये स्टबन था. इस औरत की वजह से उस बेचारी मानूर की जिंदगी. और क्या उसने पहली किस्त से रोना शुरू किया और माशाल्लाह 85वीं किस्त तक वो रोती ही चली गई जस्ट बिकॉज यू वुडंट एक्सेप्ट हर. हाँ, तो मैंने भी तो वो कासा दिल में किया ना, जब मैं बेचारी थी, और हाँ ग्लिसरिन तो स्पॉन्सर कर ले, ब्रांड एम्बेसडर हम सब बन सकते हैं. हाँ तो नहीं, मगर बहुत मज़ा आया. लेकिन मैं उसको भी कहती थी, अदील चौधरी को, कि भाई भाग कर लो, हाँ निकाह कर लो, कुछ कर लो. अब लिखा नहीं है कि तो राइटर वो ने भी कहता था लिखा अच्छा था. आप एपिसोड्स कम करवाना हाँ चाहती हैं, सो एग्जैक्टली. उस तरह से. हाँ हाँ, तो सो देर वाज हर एंड उनके नाम मैं भूल गई हाँ हूँ. मैं भी, उन खातून का आप क्योंकि भी भूल वो गई मैं हैं. रैपअप करके अलविदा कह अलविदा. देती हूँ, अच्छा चले फिर गए. कयामत चल रहा है आजकल कयामत उसमें में तो आप बहुत नरगिस मज़ा आया. खाला हैं. हाँ, बहुत मज़ा आप आया. तीली लगाने में माहिर हैं. और किसी ने हमारे ट्विटर पे नहीं यूट्यूब पे लिखा कि स्पॉइलर अलर्ट नरगिस खाला विल एंड अप मैरिंग फयाज चाचा. अभी हम कौन से किस्त पे हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख रही. हम हैं वी मतलब फयाज चाचा अपने घर में मूव हो गए हैं और वो मैं बस खातून सिर्फ ये हाँ कहना चाहती हूँ कि मकाफात इज़ रियल.
बस अब आप इस, ये स्पॉइलर मैंने आपको भेज दिया है, इससे मुकाफात ज्यादा तो नहीं। और ड्रामा है ना। नहीं नह, मकाफात भाई लव्स भी तो है ना। अच्छा क्या मतलब, क्या है इसका? कार्मा, कार्मा? ओ कार्मा इज रियल, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। ओके।